दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे फूड्स की जो बच्चों को दिया जाए और उनकी इम्यूनिटी बेटर हो जाए। बड़ा टॉपिक, हर एक चीज, हर एक ऑर्गन हमारे जो शरीर का होता है हमारी इम्यूनिटी की संरचना करता है। अगर बहुत ज्यादा यूरिन येलो हो रहा है तो हम लोग को पानी का जो इनटेक है, पानी का सेवन है, वो बढ़ा देना चाहिए। तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे फूड्स की जो बच्चों को दिया जाए और उनकी इम्यूनिटी बेटर हो जाए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों पहले बात तो हम लोग को समझना है इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है। दोस्तों इम्यूनिटी हमारे शरीर में हर वो चीज़ होती है जो कोई भी फॉरेन टॉक्सिन हो या कोई बैक्टीरिया हो या कोई भी पैथोजन हो, वायरस हो, फंगल एलिमेंट हो, उससे जो हमारे शरीर को बचाता है उसको दोस्तों इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक, हर एक चीज, हर एक ऑर्गन हमारे जो शरीर का होता है हमारी इम्यूनिटी की संरचना करता है। तो दोस्तों आइए वन बाय वन हम लोग ऐसे फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने की चीजें होती हैं जो हम लोग बच्चों को दें ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। दोस्तों सबसे पहले तो पानी। जी हाँ, पानी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों में कहीं ना कहीं पानी इग्नोर्ड रहता है। तो बच्चों को, खुद को, उनको हम लोग को सेंसिटाइज करना चाहिए कि रेगुलर समय पे पानी का जो सेवन है, वाटर इंटेक, वो करते रहें। अगर स्कूल जाएं तो पानी की बॉटल लेके जाएं। अगर उसको पानी बार बार अगर आ रहा है स्कूल से, खत्म हो जाता है, तो उसको एक नहीं आप दो बॉटल भी दे सकते हैं, या उसको प्रोत्साहित करें कि अगर पानी खत्म हो जाता है तो स्कूल से ही उसको बॉटल को रिफिल कर ले, बट पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग को अपने बच्चों को ये भी गाइड करना चाहिए कि अपना जो हाइड्रेशन स्टेटस है, यानी कि हमारे शरीर में कि पानी प्रॉपर है कि नहीं है, उसको जानने का सबसे अच्छा स्टेटस होता है अपने यूरिन का जो कलर होता है उसको ऑब्जर्व करें। तो दोस्तों यूरिन का अगर कलर अगर पीला हो रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी है, हम कहीं ना कहीं डिहाइड्रेटेड है। तो दोस्तों एक जो हेल्दी यूरिन होता है वो थोड़ा सा बहुत लाइट पेल कलर का होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा, हल्का बहुत पीला होगा। तो अगर ऐसा यूरिन अगर हमको आ रहा है तो हमारे शरीर में पानी की जो इनटेक है वो पर्याप्त है और हमारा हाइड्रेशन जो स्टेटस है वो मेंटेन्ड है। अगर बहुत ज्यादा यूरिन येल्लो हो रहा है तो हम लोग को पानी का जो इनटेक है, पानी का सेवन है, वो बढ़ा देना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग अपने बच्चों को अगर बताएंगे, इसके प्रति अगर जागरूक कर देंगे, तो वो जो वाटर इनटेक है, पानी का जो सेवन है, वो रेगुलरली करता रहेगा। दोस्तों ये थोड़ा सा इग्नोर रहता है चीज़, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी। अब दोस्तों हम लोग फूड प्रोडक्ट्स के बारे में आते हैं। तो दोस्तों जितनी भी कलरफुल जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे दोस्तों वाइटामिन में रिच होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्रूट्स हैं, कलरफुल हो गए, आपके बनाना हो गया, कैरेट्स हो गया, ठीक है, अपना जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स हो गया, और इसी प्रकार जो कलरफुल सब्जियां, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनका सेवन करने से हम लोग की इम्यूनिटी होती है, बच्चों की भी मजबूत रहती है। बच्चे सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं, बट उनको अगर प्रोत्साहित करेंगे, उनको अगर प्रमोट करेंगे, तो वो एक दो फ्रूट्स हो सकता है अपने डेली जो हैबिट में अंदर इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों अगला जो चीज़ है वो होता है योगर्ट या दही। दही में दोस्तों प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये हमारे पेट में जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। तो ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पेट में जो गलत, जो हम लोग कोई टॉक्सिन प्रोडक्ट्स है, ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं कहीं से, बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है, तो उनको फाइट करके भगा देंगे। हमारे शरीर में बैक्टीरिया इतने होने चाहिए तो लिमिटेड है, तो हम लोग क्या करें कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको अपने शरीर में रखें, उनको अपनी आंतों में रखें, और जो खराब बैक्टीरिया हैं, जब अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा रहेंगे तो जो खराब बैक्टीरिया हैं उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, अपने आप हट जाएंगे और हम लोग बीमारी से दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे प्रोबायोटिक जो फूड्स होते हैं, खासतौर पर दही, इसका सेवन करने से भी बच्चों की और हम लोग सबकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है। तो दही का आप उसको मोटिवेट करें, प्रमोट करें, बच्चे को दही दें, अगर रेगुलर खाएगा तो उसको इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों जो अगले फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, वो होते हैं दोस्तों नट्स होते हैं, काजू, बादाम, खासकर इनको थोड़ा सा सोक करके, ओवरनाइट सोक करके रखा जाए और फिर मॉर्निंग में खाया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ वॉलनट्स यानी कि जो अखरोट होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है, तो इनका भी रेगुलर सेवन करने से हमारे बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अच्छी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को और भी मजबूत करते हैं। फिर दोस्तों जो अगली चीज है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ सुपर फूड्स होते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था संतरे के बारे में। तो ये जो विटामिन सी, जो खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया और अन्य सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, ये विटामिन सी में रिच होते हैं और हमारी हमारे हमारे बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हल्दी होती है, हल्दी बहुत ही
सुपर फूड होता है जो हम इम्यूनिटी मजबूत करता है, साथ ही साथ अदरक लहसुन ये सब भी जो चीज़ें होती हैं हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं। इसका भी अगर आप बच्चों को रेगुलर ये डाइट में फूड में देते रहेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, बीमार पड़ने की जो संभावना टेंडेंसी है वो कम रहेगी। और दोस्तों जी हाँ, बाहर खेलने कूदने से अगर बच्चा रेगुलर उसको मोटिवेट करें, अंदर घर के अंदर जो बच्चे वीडियो गेम्स या मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनकी इम्यूनिटी को भी डिस्टर्ब करता है। तो अपने बच्चे को शाम को या मॉर्निंग में प्रमोट करें, मोटिवेट करें कि वो बाहर जाए अपने फ्रेंड्स के साथ ओपन एयर में खेले और ताज़ी हवा में सांस ले, तो ये भी बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों की इम्यूनिटी के रिलेटेड रिलेशन में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।